राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड एंड ब्यूटी प्रोडक्ट के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश से लगभग सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक शेखर राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 से 250 ब्यूटिशियन आई, यह प्रोफेशनल बिजनेस है और कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं। मुंबई से पहुंची श्रेया शर्मा ने बताया कि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से हैं, साथ ही बहुत सारी पब्लिक भी मौजूद रही। हर तरीके का सर, मतलब आप देश दुनिया में कहीं पे भी जो टेक्निक्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं आपको सब कुछ बताएंगे। यही इनका प्रयास रहा है सारे ऑर्गेनाइजर्स का कि ये आप लोगों तक, मध्य प्रदेश की जनता तक, भोपाल की जनता तक सभी प्रकार के बड़े से बड़े आर्टिस्टों को यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि आप कहीं पर भी बाहर जाते। पहले भोपाल के लिए सेमिनार की, वैसे तो मैं जगदीश ठाकुर सेमिनार ऑर्गेनाइजर, मैंने इंदौर में काफ़ी बड़े बड़े शो किए। सबसे पहले सेलिब्रिटी एमपी में मेल आया था रवीना टंडन, उसके बाद क्रेज आया मार्केट में, काफ़ी लोग भोपाल से जुड़े, इन्होंने भोपाल में भी सेलिब्रिटी बुलाई। और शेखर भाई से मेरी काफ़ी टाइम से पहल चल रही थी कि अपन मिलकर भोपाल में शो करेंगे, जो एजुकेशन क्लास रहेगी जिसमें लोगों को सीखने को मिलेगा स्किन केयर के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 200 से 250 ब्यूटिशियन आई हुई हैं, जो कि अलग अलग ज़िले से हैं, जैसे कि होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, इटारसी, कुछ लोग इंदौर से भी आए हुए हैं। हाँ, काफ़ी लोग घर पर भी यूज़ करते हैं, बाकी एक ये प्रोफेशनल बिजनेस है, तो जो जितने भी हमारे ब्यूटिशियन बैठी हैं वो सब प्रोफेशनल हैं और उनका सबके पार्लर्स हैं लगभग, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर में पार्लर्स खोलेंगे, तो उन्हीं के लिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। तो पार्लर्स खोलेंगे उन सब, हमारी तरफ से तो हम एक होलसेलर हैं, अच्छे रेट्स पे प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं और अच्छी शिक्षा के लिए हम उनके लिए काम करते हैं। आगे भी हम इस तरह के सेमिनार्स करते रहेंगे ताकि उनको